नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। ये कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, भारत को बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब, देश में इनोवेशन को दे रहे हैं बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। 17 सितंबर की तारीख से 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया मील का पत्थर। लखनऊ में ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण के लिए आयोजित की गई विशेष कार्यशाला, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और आर अश्विन वर्ल्ड कप टीम में शामिल। मोहम्मद शमी और दीपक चाहर रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। बैठक में रखा भारत की तरक्की का इकोनॉमिक विजन। कहा, भारत को बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने किया। कोरोना संक्रमण काल के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख की यह पहली बैठक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया और सदस्य देशों के नेताओं के साथ सामरिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, साथ ही जन केंद्रित विकास मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। 17 सितंबर की तारीख से 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। इस दौरान बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक गोष्ठियां, रक्तदान शिविर, दलित बस्तियों में सेवा के कार्यक्रम, सफाई अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का किया उद्घाटन। कहा, भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड डेयरी समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। विश्व के दूसरे विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। डेयरी समिट में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारकों ने हिस्सा लिया, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल रहे। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार और असम के 8 जनजातीय समूह के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर किया गया हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया इसे मील का पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में केंद्र सरकार और असम के 8 जनजातीय समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करने के लिए
कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही 1100 लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार 2024 के अंत तक राज्य सीमा विवाद समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मंजूरी दी। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की गारंटियों पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को भी किया मंजूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटियों पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत 11 से 30 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। फुटबॉल मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 16 देशों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारतीय सेना के लॉजिस्टिक सेमिनार में रक्षा मंत्री का बयान, कहा युद्ध में बढ़ रही है लॉजिस्टिक की भूमिका। नई दिल्ली में भारतीय सेना लॉजिस्टिक सेमिनार का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय सेना की लॉजिस्टिक क्षमता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि लॉजिस्टिक का दायरा और युद्ध में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सेनाओं के पास उचित सामान की पहुँच को सुनिश्चित कर रहा है। लखनऊ में ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण के लिए आयोजित की गई विशेष कार्यशाला सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री वाईफाई की व्यवस्था करते हैं तो प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जो 7 से 8% तक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अच्छी सड़क, शुद्ध पेयजल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, ग्राम पंचायतों के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना जरूरी है। कार्यशाला को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र में महिला सदस्यों के लिए समर्पित होगा पूरा एक दिन। सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने की दी जाएगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र इस बार महिला सदस्यों के लिए यादगार होने जा रहा है। 29 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में एक दिन महिलाओं के नाम होगा। इस दिन सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिन प्रश्नकाल के बाद महिला विधायकों को विभिन्न विषयों पर बोलने का मौका दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पिछले महीनों 10 अगस्त को महिला विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में महिला विधायकों ने उनसे कहा था कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का समुचित अवसर नहीं मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोविड महामारी से जल्द मिलेगी निजात, लेकिन जारी रखने होंगे प्रयास। WHO ने 100% कोविड टीकाकरण और जांच जारी रखने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। WHO के मुताबिक दुनिया के पास कोविड महामारी को खत्म करने का बेहतर अवसर है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसिस ने कोविड को खत्म करने के लिए 100% कोविड टीकाकरण और जांच जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक मैराथन धावक तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वह फिनिश लाइन पार नहीं कर जाता है। उसके पास जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से वह उसे पार करता है। हम जीतने की स्थिति में हैं, लेकिन हमें अपनी रफ्तार नहीं रोकनी चाहिए। चीन में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की गाइडलाइंस। चीन में भारतीय दूतावास ने चीन में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में विस्तृत परामर्श जारी किया है। दूतावास ने 2.5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन लौटने की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ये परामर्श जारी किए हैं। चीन में भारत के दूतावास ने कहा कि चीन में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को
विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने से पहले चीन में डॉक्टरी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भारतीय दूतावास की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल @EOIBeijing पर परामर्श का विस्तृत ब्यौरा देखा जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में बड़ी भारत की ताकत, भारतीय नौसेना ने तीसरे युद्ध पोत तारागिरी को किया लॉन्च। भारतीय नौसेना ने परियोजना 17A के तहत बने तीसरे युद्ध पोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया। तारागिरी का निर्माण 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और इसकी आपूर्ति अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद की जा रही है। इस पोत को 3,510 टन के अनुमानित भार के साथ लॉन्च किया है। इस भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। MDL ने जहाज के विस्तृत डिजाइन और निर्माण का काम किया है। इसके देखरेख उद्युद्धपोत निगरानी दल मुंबई में करता है। यह परियोजना 17A का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। दो बार टल चुका नासा का मून मिशन अब 27 सितंबर को होगा लॉन्च। नासा ने दो बार के असफल प्रयास के बाद आर्टेमिस मून मिशन को लॉन्च करने की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। अब आर्टेमिस मून मिशन को लॉन्च करने की नई तारीख 27 सितंबर रखी गई है। अगर 27 सितंबर को भी लॉन्च नहीं हो पाता है तो 2 अक्टूबर को अगली संभावित तारीख के तौर पर रखा गया है। नासा ने कहा कि उसने क्रायोजेनिक प्रदर्शन परीक्षण के लिए लक्षित तिथियों और आर्टेमिस आई अगले लॉन्च के अवसरों को समायोजित किया। लॉन्च के लिए जाने के लिए पहले एजेंसी 21 सितंबर को प्रदर्शन परीक्षण करेगी। 3 सितंबर को नासा ने आर्टेमिस आई लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन तरल हाइड्रोजन रिसाव का पता लगने के बाद इसे बंद कर दिया। आर्टेमिस आई नासा का मानव रहित उड़ान परीक्षण है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा अपना अभियान। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को टीम इंडिया में जगह दी गई है। दोनों ही खिलाड़ी फिटनेस की वजह से एशिया कप खेलने वाली टीम में शामिल नहीं थे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को स्टैंड बाई खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल शामिल हैं। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने किया संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फेडरर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि करियर को विराम दिया जाए। 20 ग्रेट स्लैम जीतने वाले महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास का किया ऐलान। 41 साल के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। फेडरर ने पोस्ट में लिखा कि मैंने 24 सालों में 1500 से अधिक मैच खेले हैं। टेनिस ने मेरे साथ पहले से कहीं अधिक उदारता से व्यवहार किया है और अब मुझे यह पहचान करनी होगी कि यह मेरे प्रतिस्पर्धी करियर का अंत कब है। अब वक्त आ गया है कि करियर को विराम दिया जाए। अगले हफ्ते लंदन में होने वाले लेवर कप फेडरर का आखिरी ATP इवेंट होगा। स्पेन के कॉलेस अल्क्राज ने जीता करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। US ओपन जीतकर सबसे कम उम्र के बने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी। स्पेन के कॉलेस अल्क्राज ने नॉर्वे के कैसपर रूड को फाइनल में हराकर US ओपन मेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया। न्यूयॉर्क के फ्लैशिंग मिटो में खेल गए फाइनल में अल्क्राज ने 4 सेंटों के रोमांचक मुकाबले में रूड को हराया। कॉलेस अल्क्राज के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। न्यूज विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।